भाई आज तो राज की लॉटरी लग गई है। क्यों? क्योंकि अब तक राज अवनी से मिलने के बहाने ढूंढते थे, आज अवनी ने राज से मिलने का इतना हसीन बहाना ढूंढा है। और इनके लिए इतनी स्पेशल साइकिल डेट प्लान की है। हम लोग एक्चुअली सनसेट देखने आए यहाँ पे। ये बिल्कुल मेरा आइडिया रहता, बिकॉज मुझे इनके साथ कुछ पल बिताने होते हैं, तो मैं इन्हें बोल चुकी हूँ चलो हम एक ही साइकिल पे बैठेंगे और ये दो साइकिल लेकर आते हैं, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ जबरदस्ती, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर हम दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। राज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, साइकिल पर अवनी को डबल सीट बिठाकर रंगीन नजारों की सैर कर रहे थे। हसीन वादियों के मजे लूट रहे थे, तभी कबाब में हड्डी बन गए उनके बॉस। जब मैं फुल मूड में हूँ, लेकिन मेरी टाइटा फिर हो जाती है कि पापा का फोन है एक्चुअली, और फिर हमारी डेट की बैंड बज जाती है, लेकिन फिर मैं राज को बचाती हूँ क्योंकि मैं उसकी वो साइकिलिंग चैंपियन है अपनी, तो लिख जाती है साइकिल को उल्लू बनाती है एक्चुअली, कि बोलती साइकिल चलाना नहीं आता क्योंकि मुझे इनके साथ बैठना होता। पुष्पक राम जी आप बिल्कुल पापा का फोन हो जाता है, ये मेरे पापा के पीए है, तो पापा के ऑर्डर्स इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, एंड ऊपर से मैं भी एक रीजन हूँ कि इन्हें पापा की बात सुननी पड़ेगी। थीटा चला देता हूँ। नहीं नहीं आई एम श्योर मुश्किल अच्छी ज्यादा है, बिकॉज मुश्किल ने मुझे बैठ के चला लिया, तो भारी भरकम वेट से आई एम नॉट सेइंग इन द वेट सेंस, बट इतनी बुरी साइकिल एक लड़की को ऐसे बैठा के चलाना, हैट्स ऑफ टू हिम, सो आई एम श्योर कि इन्हें साइकिल बहुत अच्छे से आता चला। मैं एक साइकिल से, मेरा बहुत बुरा इंसिडेंट हो चुका है, मेरा पैर कट चुका है साइकिल से, जब मैं 6 साल की थी मेरे को पैर में स्टिचेज आए, साइकिल से मेरा बहुत बुरा इंसिडेंट रह चुका है, बट आई कैन राइड वेल। कोई बात नहीं, मुलाकात छोटी जरूर थी मगर बड़ी प्यारी थी, और वैसे भी काम भी तो जरूरी है ना, मुलाकातें तो अब लगी ही रहेंगी, उन्हें कौन रोक सकता है।